सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। पाँच महीना से मोटर फूक गई है और दूसरा डाल गए हैं तो कहते पानी बरसेगा तो पानी आएगा। अब ये इतना तीन चार दिन रात दिन पानी बरसा, हम पानी नहीं आ बता। हाँ पैसा मांगत रहे 10,000। अब वो जल जो नल बनावत है नाम नहीं हमें मालूम। ये कह रहे हमारे यहाँ 5 महीने से जल की बड़ी समस्या है और कोई यहाँ जल नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना ही कोई पाइपलाइन की कोई कार्रवाई हो रही है। 1076 केवल गुमराह करने के लिए बनाया गया है। कई बार अधिकारियों से बात किए गए, उन्होंने कोई भी समस्या का निराकरण नहीं किया। ना कभी सर्वे करने आते हैं, ना कभी जांच करने आते हैं। हमने सभी प्रकार से सभी राजनीतिक नेताओं को और यहाँ से सभी को डीएम को जल निगम में सभी जगह एप्लीकेशन दिए। ये हैंडपम्प 5 महीने से खराब पड़ा हुआ है, जो यहाँ पर 500 लोगों के लिए केवल पानी की सप्लाई देता था, जो बिल्कुल बंद हो चुका है। केवल टैंकर 10 मिनट के लिए आता है, आगे वो खाना पूर्ति करने के लिए केवल यहाँ दिखाते हैं, बाकी आगे चले जाते हैं। अब सदर विधायक जी के बारे में हम नहीं ज्यादा बता सकते क्योंकि हम एक आम जनता है, हमें उनके बारे में कोई मालूम नहीं है। केवल उनकी बातें भर सुनते हैं कि आपके यहाँ सारी समस्या दूर की जाएंगी, ये किया जाएगा। 1076 का केवल नाम है और कुछ नहीं है। हम ये अपनी समस्या सुनाने के लिए यहाँ खड़े हुए। केवल खाना पूर्ति की जा रही है, उसके हमारे पास कई डिटेल भी है, कहीं से कोई समस्या का कोई भी निदान नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। सुनने को तैयार है सब, केवल हम लोगों की एप्लीकेशन ले लेते हैं, बाकी रद्दी टोकरी में डाल देते हैं। तो ठीक, अगर नहीं हल होती है तो हम इससे बड़ा जाम लगाएंगे, फिर हम किसी अधिकारी की नहीं सुनेंगे जी। फिर हम वही करेंगे जो हम लोगों को सही लगेगा। तो लगता क्या है, अब हमने प्रशासन की भी बात मानी, हमने कार्यपालिका की भी बात मानी, न्यायपालिका की बात मानी, जब दोनों आके खड़े हो गए तो हमने दोनों की बात मानी। तो अभी देखते हैं कि वो हमारी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। बाकी हम लोगों ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, विधायक जी, जल संस्थान, AJTAPA सबको हम लोगों ने जो हमसे बना हम लोगों ने किया, पर किसी ने हमारी सुनी नहीं। तब आज हमने जाकर ये कदम उठाया। हमारी माँ बहने हमारी मोटर लगा था, ठीक है, मोटर लगा था, मोटर का कुछ गड़बड़ी होगी, उसमें पानी नहीं दे रहा है। या तो ऑटो भी डाउन हो गया है और उसको फोन करके चेक कराया जाएगा, तब उसे मालूम चलेगा कि उसमें क्या गड़बड़ी है। सप्लाई क्यों नहीं आ रही? सप्लाई तो आ रही है, लेकिन ये हमारे पास कोई अभी शिकायत नहीं आया था, इसमें टंकी भी भर जा रही है, लेकिन नहीं आ रहा तो मैं उसको चेक करा देता हूँ। अब मोटर भी खुलवा कर इसको तुरंत बाहर कर लें। अभी बाकी हम टैंकर पानी सप्लाई के लिए यही समस्या है, पानी नहीं मिलता, 4-5 महीने से खराब है। पर जो आते हैं अधिकारी तो कहते हैं पैसे दे, अरे हम उसको नाम नहीं जानते जो बनाते हैं। जल संस्थान गई हैं आप लोग? डीएम साहब पास गई? डीएम का नहीं गए, कोई यहाँ सुनाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है, सुनाई है। हमारे यहाँ पानी मिलना चाहिए बस। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।